दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल पे बिजनेस अकाउंट बनाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल फ्री में गूगल पे का ये साउंड बॉक्स QR कोड कैसे मंगाया जाता है। अगर आपको अपना बिजनेस अकाउंट बनाकर ये QR कोड साउंड बॉक्स भी चाहिए तो इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को अगर एक बार पूरा ध्यान से देख लेते हो तो 100% आप सिर्फ 2 मिनट में अपना गूगल पे बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल पे बिजनेस ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लोगे। ये रहा मेरा प्ले स्टोर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर आपको गूगल पे बिजनेस लिखकर सर्च करना है। गूगल पे बिजनेस लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आएगा। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब पहली बार ऐप ओपन करोगे तो नीचे यहाँ आपकी ईमेल आईडी शो करेगी। यहाँ आप चाहो तो इस एरो पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो, वरना इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। यहाँ नीचे आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो करेंगे, पहला सेटअप ए बिजनेस ओनर, दूसरा जॉइन ए बिजनेस एज स्टाफ। आपको यहाँ सेटअप ए बिजनेस ओनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही सेटअप बिजनेस ओनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद इस नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ पर डालकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लोगे। जैसे ही OTP कोड डालकर वेरीफाई करोगे तो इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम डालने को कहा जाएगा। ऊपर आप थोड़ा सा नज़र डालकर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टोटल 3 स्टेप दिए गए हैं। जब हम ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो सक्सेसफुली हमारा गूगल पे बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ 2nd स्टेप में आपको अपनी दुकान का नाम डालना है, जो भी आपकी दुकान का नाम है यहाँ पर आप एंटर कर लोगे। इसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद बिजनेस ओनर नेम डालने को कहा जाएगा। अब यहाँ आपको अपना खुद का नाम डालना है, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह में लिखा हुआ है वही ओरिजिनल नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर ओरिजिनल नाम टाइप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आगे चलकर आपकी KYC में कोई दिक्कत हो, इसलिए यहाँ अपना ओरिजिनल नाम डालकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही नाम डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आएगा, यानी कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपकी दुकान किस टाइप की है, आप अपनी दुकान पर क्या सेल करते हो, कौन कौन सी सर्विसेज देते हो। तो यहाँ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इसके बाद दुकान की कैटेगरी पूछी जाएगी। अगर यहाँ पर आपको अपनी दुकान की कैटेगरी नहीं मिलती है तो सी ऑल कैटेगरी पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। आप अपने हिसाब से अपनी दुकान के हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद दुकान का एड्रेस डालने को आएगा। यहाँ आपका एड्रेस ये ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। यहाँ पर बस आप अपने एरिया का नाम टाइप कर दीजिए। इसके अलावा ये जो मैप का ऑप्शन दिया गया है, कंफर्म ऑन मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे और यूज़ माई करंट लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जहाँ भी हो इस टाइम ये वहाँ की लोकेशन लेगा और यहाँ कंफर्म बिजनेस लोकेशन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही कंफर्म बिजनेस लोकेशन पर क्लिक करके
नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपलोड फोटो आइकन पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड का एक फ़ोटो अपलोड करना है। आपका पैन कार्ड अगर बना हुआ नहीं है तो ऐसे में आप अपने मम्मी पापा या किसी दूसरे का पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, उसके नाम से भी ये बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ मैं अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पैन कार्ड नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करोगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करके अगर आपकी शॉप की GST है तो यहाँ पर डाल सकते हो, वरना नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, और कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, यानी कि गूगल पे बिजनेस अकाउंट पर जितना भी पैसा आएगा वो आपके कौन से खाते में जाना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी बैंक सिलेक्ट कर लोगे, अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद IFSC कोड मांगा जाएगा। आपकी बैंक जिस भी एरिया में है यहाँ पर अपने एरिया का नाम डालकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका एरिया शो करेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ओनर बैंक अकाउंट नंबर में अपना खाता नंबर डाल दोगे। अकाउंट नंबर डालकर फाइंड बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके खाते की पूरी डिटेल्स आएगी। कंफर्म बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपका खाता सक्सेसफुली इसमें ऐड होएगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो करेगी, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए या फिर नीचे क्रिएट न्यू बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। अब तक आपने गूगल पे अकाउंट बनाते समय जो भी डिटेल्स डाली है उसकी यहाँ पर पूरी समरी शो करेगी। अगर कोई डिटेल्स गलत डल गई है तो यहाँ इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके उसको बदल सकते हो। अगर सारी दी हुई डिटेल्स सही है तो नीचे बस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो फिर से कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, और कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद सक्सेसफुली आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। अब आप इसके ज़रिए कोई सा भी QR कोड या साउंड बॉक्स ऑर्डर करके अपनी दुकान या घर पर मंगा सकते हो। मेरा पहले से ही पैन कार्ड के थ्रू दूसरे नंबर पर बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरे सामने पैन कार्ड का ये एरर आ रहा है। जब आप पहली बार बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका इस लास्ट स्टेप में ही अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप आराम से कोई सा भी साउंड बॉक्स ऑर्डर कर सकते हो। अगर गूगल पे साउंड बॉक्स ऑर्डर करना नहीं आता है तो इस पर मैंने पहले से एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल फ्री में गूगल पे साउंड बॉक्स ऑर्डर करके अपनी दुकान पर मंगा सकते हो। तो इस तरीके से गूगल पे अकाउंट बनाया जाता है।